नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर 02/2023 बैच का। आप सभी का कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ है, फाइनली दोस्तों आपका रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेकआउट करना है, साथ ही बात करेंगे कि इसके एक्स ग्रुप की और इसकी वाई ग्रुप की कट ऑफ आप सभी की क्या गई है। दोस्तों इस बार यानी कि आपकी कट ऑफ बहुत कम गई है, तो आप भी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे आप लोगों को भी ये पता चल जाएगा आपकी कट ऑफ कितनी गई है और आप लोग कैसे अपने रिजल्ट को देख पाओगे। तो अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पे आपको एक पहले नंबर पे लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए पहले नंबर पे लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। और देखिए आपको पहले कॉलम में आपको अपना ईमेल आईडी डालनी है, जो यूजर आईडी ईमेल आईडी आपने डाली थी, ईमेल आईडी वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने फॉर्म में डाली थी, वही सेम ईमेल आईडी आपको यहां पे डालनी है। और फॉर्म भरते टाइम आपने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आपको इस कॉलम में डालना होगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, देन आपको ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये कैप्चा कोड आपको इस कॉलम में फिलअप करना है, ठीक है भाई। उसके बाद आपको नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आप लोग लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके पास पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके भी आप लोग पासवर्ड को अपना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए मैं एक कैंडिडेट का आईडी पासवर्ड अपना डाल के फिर आप सभी के सामने आता हूँ। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैंडिडेट का यानी आईडी भी अच्छी तरह से डाल ली, यानी ईमेल आईडी डाल ली है, साथ ही ये पासवर्ड भी डाल लिया और जो कैप्चा कोड दिख रहा है हमने ये भी डाल लिया। अब सिंपली हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने दिखाई देगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक्स ग्रुप की कट ऑफ के बारे में बात करना चाहूँ तो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ गई है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 22, यानी कि केवल 22 नंबर कट ऑफ गई है। अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो इतनी ज़्यादा कम कट ऑफ अभी तक कभी नहीं गई है। सबसे ज़्यादा वो कम कट ऑफ गई है वो इसी बार आप सभी की गई है, टोटल 22 नंबर आपकी कट ऑफ गई है। केवल कितने नंबर में से आप लोग जानते हैं, 70 नंबर का आपका पेपर होता है जो उसके लिए देख सकते हैं, और 22 नंबर इस बार आपका कट ऑफ गया है जो कि बहुत कम कट ऑफ गया है, ठीक है भाई। उसमें अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात करूं तो देखिए आपका जो इंग्लिश के बारे में बात करें तो देखिए आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप लोग मैं पहले आपका मैं यानी कि उसके बारे में बात करते हैं, साइंस पोर्शन जो कि आपका एक्स ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद बाई ग्रुप के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। तो दोस्तों मैं आपको सेक्शनल के बारे में बता देता हूँ। देखिए एक्स ग्रुप में बात करूँ तो देखिए इंग्लिश के लिए जो रखा गया है वो केवल 8 नंबर रखा गया कट ऑफ, और अगर मैं बात करूँ आपके फिजिक्स के लिए तो आपका फिजिक्स के लिए जो रखा गया है वो आपका कट ऑफ रखा है 7 नंबर, मैथ के लिए भी 7 नंबर, ठीक है। टोटल आपके देखिए इतने मिनिमम नंबर रखे गए हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाइज भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम भी पास होना पड़ता है जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। टोटल आपको पता है 70 नंबर का पेपर था, जिसमें से जो कट ऑफ गया है वो आपका 22 नंबर गया है। अगर आप इसमें यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होंगे तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेट सेकेंड दिखाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड इनका दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्ट हैं और पास हैं। आपके टोटल नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने नंबर आपने गेन किए हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनके टोटल नंबर थे कितने, 32 नंबर थे। इनको नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर हुआ है वो इनका 38.27 इनका स्कोर हो चुका है, ठीक है। यानी काफ़ी नंबर इनके इंक्रीज हो चुके हैं। सेम बात करते हैं आपके वाई ग्रुप के बारे में भी। अगर मैं वाई ग्रुप के बारे में बात करूँ तो वाई ग्रुप का जो कट ऑफ गया है वो आपका 33.5 गया है, ठीक है। 33.5 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 33.5 आप लोग यहाँ पे स्कोर देख पा रहे होंगे, ठीक है। सेम अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूँ तो सेक्शन वाइज भी आप देख सकते हैं। अगर मैं राबा उसके बारे में बात करूँ इंग्लिश में तो 8 नंबर रखा गया है, और आपका रागा में आपका 15 नंबर रखा गया है। टोटल आपको यानी कि इन कैंडिडेट के जो नंबर के बारे में बात करें तो इस कैंडिडेट के जो नंबर आए हैं वो आप लोग देख सकते हैं 30.75 नंबर आए हैं, और इनका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर हुआ है उनका 37.87 इनका स्कोर हो चुका है, और कट ऑफ लगाया 33। इसका मतलब इनके दोनों पेपर जो है क्वालिफाई हैं, ठीक है। अगर आप इसमें शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो इस तरीके से आपको ग्रीन स्क्रीन जो हल्की हल्की ग्रीन स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये ग्रीन स्क्रीन भी दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से शॉर्ट लिस्टेज फॉर स्टेज सेकंड भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट पास हुए होंगे उन्हीं का दिखाएगा, जो कैंडिडेट फेल हैं उनका नॉट शॉर्ट लिस्टेज फॉर स्टेज सेकंड इस तरीके से दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसी तरीके से आपको अपने रिजल्ट को चेकआउट कर लेना है, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में आप सभी को बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में, और कमेंट करके जो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सच में वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें जिससे आने के वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।